हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम यूट्यूब का शॉर्टकट बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप या पीसी पर या लैपटॉप में। तो आज की इस वीडियो हम यही जानने वाले। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यूट्यूब शॉर्टकट, देखिए हमने क्रिएट किया है। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे हम YouTube शॉर्टकट या फिर किसी वेबसाइट का शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको, जो हमने शॉर्टकट क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो अब हमें शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर ये यूट्यूब ओपन है। अब यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको, अब हम ये थ्री डॉट हैं राइट साइड में, थ्री डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, इन थ्री डॉट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें मोर टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मोर टूल के ऑप्शन पर अपना कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं, जैसे कि सेव पेज एज, क्रिएट शॉर्टकट, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, एक्सटेंशन, टास्क मैनेजर और डेवलपर टूल्स। तो हमें क्रिएट शॉर्टकट करना है। तो अब हमें क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा और यहाँ पर देखिए यूट्यूब लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ क्रिएट शॉर्टकट। तो यूट्यूब के नाम से शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। हम इसको क्रिएट करते हैं यूट्यूब। अब हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो यूट्यूब शॉर्टकट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये देखिए बड़े आसानी से। अब हमें यूट्यूब ओपन करने के लिए हमें किसी ब्राउज़र की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पहले क्या करना पड़ता था, कोई वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ता था, उसमें YouTube सर्च करना पड़ता था, तब जाके हम YouTube ओपन कर पाते थे। लेकिन शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद हमें सिर्फ या राइट क्लिक करके ओपन करना है या फिर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो सीधा हमारा YouTube ओपन हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए ये YouTube ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम YouTube का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें किसी और वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र पर, क्रोम वेब ब्राउज़र पर, मान लीजिए मैं गूगल को ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर गूगल आ गया है, गूगल सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको गूगल साइट को ओपन कर लेता हूँ वेब क्रोम वेब ब्राउज़र में। देखिए यहाँ गूगल ओपन हो चुका है। अब हमें फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोर टूल पर जाना है और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट कर देना है। जैसे हम इसको क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो मैं मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए गूगल का शॉर्टकट बन चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक नए तरह का टैब ओपन हुआ है, कोई ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि क्रोम वेब ब्राउज़र में ओपन हुआ है। देखिए बिल्कुल अलग ही इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब सर्च किया, देखिए यूट्यूब ओपन हो गया। तो देखिए हम इस तरह किसी भी वेबसाइट का या फिर यूट्यूब का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं बड़े आसानी से और बिना किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ किए उन्हें ओपन कर सकते हैं, वहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।